बिरादरान मिल्लत की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहनशाहों के शहनशाह, सारी दुनिया के मालिक और खालिक अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की तबाही ने पूरी दुनिया के निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया है। तो आइए हम और आप इस बात का अहद करें कि आने वाली हमारी इस ईद में हम किसी भी तरह की खरीदारी नहीं करेंगे, ईद सादगी के साथ मनाएंगे। हम अपनी ईद की खुशियाँ ज़रूरतमंदों, गरीबों और मुस्तहिक अफराद के दरमियान तकसीम करेंगे, वो इस तरह से कि हम अपने जो पैसे हम बचा रहे हैं, जो हम ख़रीदारी नहीं करेंगे, उससे हम उनकी मदद कर सकें। हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें, हम अपने अजीज़ों अकारीब की मदद करें जो आज मजबूर है, जिनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, जो रोज़ाना फेरी लगाने वाले, कमाने वाले दिहाड़ी के मजदूर, जो रोज़ाना कमाते थे और रोज़ाना अपना घर चलाने का काम करते थे, आज वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। आज वो लोग अपना घर चलाने के लिए ज़रूरी अशिया से महरूम हैं। आज उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उन गरीबों के दिल जल रहे हैं। ऐसे लोगों के दिलों को राहत पहुँचाने के लिए, सुकून पहुँचाने के लिए हम इस बात का अहद करें कि हम उनकी मदद करेंगे। हम कोरोना वायरस के शिकार उन लोगों की मदद करेंगे जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मजदूर तबका अपने घर वालों से दूर ज़िंदगी और मौत के बीच जीने पर मजबूर है। हम सब अहद करते हैं कि इस ईद में हम एक रुपए की भी ख़रीदारी नहीं करेंगे ईद के लिए। हो सकता है मुमकिन है कि मुल्क के अंदर बहुत सी जगहों पर, बहुत सी इलाकों में, बहुत सी रियासतों में लॉकडाउन ना हो या लॉकडाउन खुल जाए, तब भी हम उन लोगों से ये अपील करेंगे कि जो साहब ऐसे लोग हैं जो ख़रीदारी कर सकते हैं, वो अपनी ईद की इस ख़रीदारी को कुर्बान कर दें। हमने इस कोरोना वायरस की लड़ाई में, पूरे देश ने बहुत कुछ खोया है। ख़ास तौर से मुसलमानों ने रमज़ान के महीने में अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हम मस्जिदों में नमाजों से महरूम रह गए, हम जुमा की नमाजें अदा करने से कासिर रहे, हम तरावी नहीं अदा कर सके, तो क्या आप अपनी ईद की खुशियां इन गरीबों के लिए नहीं कुर्बान कर सकते? आमना सामना मीडिया नेटवर्क और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मुंबई यूनिट इस बात का ऐड करती है कि हम ईद सादगी से मनाएंगे और किसी भी तरह की खरीदारी ईद के लिए नहीं करेंगे। आइए आप भी ऐड करें और संकल्प लें ईद सादगी से मनाएंगे और किसी भी तरह की खरीदारी नहीं करेंगे। हमारी आपसे भी अपील है कि आप भी इस तरह की वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।